पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री की शोख अदाकारा यशमा गिल ने डिप्रेशन में मुब्तला होने की वजूहात से पर्दा उठा दिया। हाल ही में अदाकारा यशमा गिल एक प्रोग्राम में बतौर मेहमान शरीक हुई, जहां उन्होंने करियर और निजी जिंदगी समेत मुख्तलिफ मौजूद पर खुलकर इजहार ख्याल किया। प्रोग्राम के दौरान डिप्रेशन के हवाले से बात करते हुए यशमा गिल ने बताया कि डिप्रेशन के मर्ज की तशखीस में मेरे घरेलू हालात ने बहुत अहम किरदार अदा किया, क्योंकि मेरे वालिद ने दो शादियां की थीं। अदाकारा ने बताया कि मेरे वालिद बहुत इंसाफ पसंद इंसान थे और उन्होंने हमेशा दोनों घरों को मतवाजन रखा, लेकिन फिर भी घर में कुछ न कुछ नोक झोंक रहती थी। और बचपन में जब आप घर में बहस सुनते हैं तो इसका असर आपकी जहनी सेहत पर जरूर पड़ता है। यशमा गिल का कहना था कि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मेरा बड़ा भाई भी बहुत सख्त मजाज था। भाई की बेजा सख्ती और घरेलू झगड़ों ने मिलकर जहरी सेहत को मुतासिर किया। अदाकारा यशमा गिल ने कई माह बाद पहली बार अपनी सर्जरी के हवाले से भी खुलकर बात करते हुए बताया कि उन्हें अचानक पेट में दर्द हुआ था, जिस वजह से उन्हें सर्जरी करवानी पड़ी। यशमा गिल ने इब्तदाई तौर पर फरवरी 2024 में अस्पताल के बिस्तर से अपनी तस्वीर शेयर की थी, ताहम उन्होंने उस वक्त अपनी बीमारी से मुतालिक कुछ नहीं बताया था। बाद अज़ा अप्रैल में यशमा ने अस्पताल में इलाज के दौरान खिंचवाई गई मुतादी तस्वीर और वीडियो शेयर करते हुए बताया था कि उनकी सर्जरी हुई थी और अब वो बेहतर हो रही हैं। उन्होंने तस्वीर शेयर करते हुए अपनी दोस्त हानिया आमिर समेत दीगर अदाकाराओं का शुक्रिया भी अदा किया था, और अब उन्होंने एक इंटरव्यू में एक बार फिर हानिया आमिर की तारीफ करने समेत अपनी बीमारी से मुतालिक भी बात की। यशमा गिल ने हानिया आमिर की तारीफ करते हुए बताया कि वैसे वो खुशी के लम्हात या पार्टी वगैरह में नहीं आती, लेकिन जब कोई दोस्त मुश्किल में होता है तो वो सब कुछ छोड़कर उनके पास आ जाती हैं। उन्होंने बताया कि हानिया आमिर उनसे कम उम्र हैं, लेकिन वो उनसे ज्यादा समझदार और दूसरों का ख्याल रखने वाली हैं। यशमा गिल का कहना था कि हानिया आमिर बज़ाहिर बच्चों जैसी हरकतें करती हैं, लेकिन वो इंतहाई समझदार और दूसरों का साथ देने वाली हैं, और उनकी बीमारी का सुनकर वो अचानक अस्पताल पहुँच गईं। उनके मुताबिक हानिया आमिर को उनकी बीमारी का उनकी मुलाजमा ने बताया था, जिसके बाद वो अस्पताल आ गई थी और उनके साथ वही रुकी थी। यशमा गिल ने बीमारी से मुतालिक बताया कि उन्हें अचानक बाथरूम में जाते वक्त पेट में शदीद दर्द हुआ, जिस पर उन्हें मुलाजमा अस्पताल ले आई, और फिर उनकी मुलाजमा ने हानिया आमिर को भी बताया तो वो भी अस्पताल आ गईं। उनका कहना था कि उन्हें इस कदर दर्द था कि उनका ऑपरेशन करना पड़ा, और उनकी सर्जरी से कबल ही हानिया आमिर आ चुकी थीं। अगरचे उन्होंने बताया कि उन्हें पेट में शदीद दर्द हुआ था और उनकी सर्जरी हुई, लेकिन उन्होंने एक बार फिर ये वाजे नहीं किया कि उन्हें पेट में क्यों और किस वजह से दर्द हुआ था। तहा मुमकिन तौर पर उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ होगा, लेकिन इस हवाले से कुछ भी तस्दीकी तौर पर नहीं कहा जा सकता। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।